नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिलासपुर से बड़ी और अहम जानकारी, छात्र की नहाने के दौरान डूबने से हुई मौत। मृतक अपने दोस्तों के साथ पत्थर खदान गया था नहाने। कुद्दू दंड का रहने वाला है मृतक नितिन रजक, मस्तूरी थाना क्षेत्र का। ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां छात्र की नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। तो ये बड़ी और अहम खबर बिलासपुर की, जहां छात्र की नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। तो वही मृतक अपने दोस्तों के साथ पत्थर खदान गया था और कुद्दू दंड, आपको बता दें कि ये खबर बिलासपुर की है, जहां छात्र की नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। तो वही मृतक अपने दोस्तों के साथ पत्थर खदान गया था नहाने। कुद्दू दंड का रहने वाला है मृतक नितिन रजक, मस्तूरी थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नहाने के दौरान युवक की डूबने से मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि अपने साथियों के साथ नहाने गया हुआ था और नहाने के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि कुद्दू दंड का रहने वाला है मृतक नितिन रजक और मस्तूरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बालोदा बाजार के नए कलेक्टर रजत बंसल ने कसडोल नगर में स्थित कई विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तहसील उपकोषालय, नगर पंचायत कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तहसील कार्यालय में उन्होंने रिकॉर्ड रूम, कोर्ट, पुराने प्रकरणों के संधारण और ई कोर्ट में दर्ज प्रकरण, अविवादित बंटवारा, डायवर्जन के प्रकरणों की जांच की और रीडर के कार्यप्रणालियों पर गहरी नाराजगी जताते हुए 3 दिनों में सुधार के निर्देश दिए। इसके अलावा कार्यालय में आम लोगों के लिए बाथरूम नहीं होने की जानकारी मिली, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को TL पहले कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, साथ ही मैदान को भी सुधारने के निर्देश दिए हैं। तो वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल को मॉडल स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो खबर बालोदा बाजार से आपको बता रहे, जहां DM ने कई विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि बालोदा बाजार की से खबर है, जहां DM ने कई विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर DM जो है वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रही हैं और उन्होंने कई विभागों का, कार्यालयों का जायजा भी लिया। और रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर अंबिकापुर से है, जहां बाल बंदी गृह से फरार हुए 3 अपचारी कोरोना संक्रमित है। तीनों फरार अपचारी, आपको बता दें कि अपचारियों के फरार होने से हड़कंप मच गया है। आइसोलेशन का फायदा उठाकर तीनों अपचारी जो है वो फरार हो गए। तो वहीं 2 कोरिया और 1 सरगुजा से है फरार अपचारी। और आपको बता दें कि गांधीनगर पुलिस फरार अपचारियों की तलाश कर रही है। तो अंबिकापुर के बाल सप्रेक्षण गृह का ये मामला आपको बता दें, जहां बाल बंदी गृह से 3 अपचारी फरार हो गए। तो वही कोरोना संक्रमित हैं तीनों फरार अपचारी और आइसोलेशन का फायदा उठाकर तीनों अपचारी जो है वो फरार हो गए हैं। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब जो पुलिस है वो इनकी तलाश में जुट गई है। तो बाल सम्प्रेक्षण गृह से ये तीनों फरार हो गए हैं और कोरोना संक्रमित भी ये तीनों हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अपचारियों के फरार होने से हड़कंप मच गया है। तो वहीं बाल बंदी गृह से ये तीनों अपचारी फरार हुए हैं और तीनों जो है वो कोरोना संक्रमित भी बताए जा रहे हैं। चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले जिले के 1,09,456 लोगों को अपनी राशि पाने के लिए 12 जिलों के चक्कर काटने होंगे, क्योंकि इन जिलों में कंपनियों के संपत्तियों के कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इधर महासमुंद जिले में अब तक कुर्की की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है, जबकि यहां 165 से अधिक चिटफंड कंपनियों ने ग्रामीण से
228.81 करोड़ की ठगी की है। इधर राशि वापस पाने के लिए निवेशकों ने 3 महीने पहले जहां आवेदन किया था, वहीं अब बांड की रसीद लेकर कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं। और आपको बताते चलें कि जिले में टोगो रिटेल मार्केटिंग कंपनी, साई प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट लिमिटेड पीएएससीएल कंपनी, आरोग्य धन वर्षा डेवलपर्स, फ्यूचर गोल्ड इंडिया, साई प्रसाद प्रॉपर्टी लिमिटेड बीएन गोल्ड के खिलाफ मामले दर्ज हैं। तो चिटफंड कंपनियों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क होगी और चिटफंड में 1.9 लाख लोगों ने निवेश किया है। कि जिला प्रशासन को एवं पुलिस प्रशासन को जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी राशि जो है, अपनी गाढ़ी कमाई की राशि जो है अलग अलग कंपनियों में निवेश की है, सभी यही चाहते हैं कि आगे समय, जिस समय सीमा में उन्होंने राशि निवेश की है, उनको मिले। लेकिन आज की डेट में यह देखा जा रहा है कि वो कंपनियां छत्तीसगढ़ में आई, अपना कारोबार किया और चली गई। इसके लिए शासन स्तर पर यह पहल होनी चाहिए कि जहां जहां जिस जिस जिले में ये प्रक्रिया है, जैसे कि आज अभी आज समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि जिला कार्यालय महासमुंद से एक जानकारी पेपर में दी गई है कि 12 जो चिटफंड कंपनियां हैं और उनसे रिलेटेड जो भी निवेशक हैं वो यहां आके जो है भुगतान के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना मतलब बहुत तत्परता से, मतलब जैसे भी हो उन्होंने बहुत ही प्रयासरत करके कुछ पैसा दिलाया है। भविष्य में और चाहते हैं कि वो भी कुछ और मतलब कुछ कड़ा एक्शन ले जिससे हमको पैसा मिलने का जल्दी से जल्द उम्मीद। में बहुत सारे जगह पे राज्य शासन के आदेश अनुसार वहाँ पे कार्रवाई हुई है और वहाँ उस जिलों में कुर्की की संपत्ति भी उसका ऑप्शन होने के बाद कुछ राशि भी जिला में प्राप्त हुई है। उस तारतम्य में हमने यहाँ पे सभी जो आमजन है उनको सूचित किया था कि एक लगभग 10 से 15 कंपनियों के नाम थे जिनके यहाँ की राशि जमा हुई है, अन्य अन्य जिलों में वो राशि जमा हुई है। तो अगर किसी व्यक्ति का उस कंपनी में राशि जमा उस जिले में है तो हमने उनको सूचित। रुक कर लेते बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर पे इंद्रा से आ रही है, जहाँ पिता ने की बेटे की हत्या। तो लड़ाई झगड़े से परेशान था पिता, हत्या के बाद पिता ने शव को लगाया ठिकाने। बड़े बेटे के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि जीपीएम पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। 26 जून को रेत में दबा मिला था युवक का शव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे पेंड्रा से, जहां पिता ने बेटे की हत्या को अंजाम दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि लड़ाई झगड़े से पिता जो है वह परेशान था, जिसके बाद पिता ने शव को ठिकाने भी लगाया है और बड़े बेटे के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाया। तो वहीं जीपीएम पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पेंड्रा से। तो जहां लड़ाई झगड़े से परेशान पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी है, तो वहीं बड़े बेटे के साथ मिलकर शव को ठिकाने भी लगाया है और जीपीएम पुलिस ने पिता और पुत्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद पिता ने शव को ठिकाने लगाया और जिसके बाद आपको बता दें कि जीपीएम पुलिस ने पिता और आरोपी पुत्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बेमित्रा के शासकीय प्राथमिक शाला मंज गांव में 200 से ज्यादा छात्र छात्राएं एक शिक्षक के भरोसे पड़ रहे हैं, जिसे नाराज अभिभावक और शाला प्रबंधक समिति ने स्कूल में ताला चढ़ दिया। जब इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को दी तो उन्होंने आनन फानन में शिक्षकों की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद से स्कूल का ताला खुल पाया। अभिभावकों का आरोप है कि शासकीय प्राथमिक शाला मंझगांव में लंबे समय से पूरा स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे है, जबकि यहां 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। एक अभिभावक ने कहा कि उनके बच्चे 3री क्लास में पढ़ रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें अपना नाम लिखना तक नहीं आता, जिससे यहां के शिक्षा व्यवस्था का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं बेमित्रा से, जहां एक टीचर के भरोसे 200 से ज्यादा छात्र जो है वो स्कूल में पढ़ रहे हैं और जिसके बाद शाला प्रबंधन समिति ने स्कूल में ताला चढ़ दिया है।
तो वही इस पर अभिभावकों का भी कहना है कि एक टीचर के भरोसे 200 से ज्यादा बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, और ऐसे में एक अभिभावक का ये भी कहना है कि उनका बच्चा जो है वो तीसरी कक्षा में, लेकिन बावजूद इसके उसको अपना नाम तक लिखना नहीं आता है, और इससे यहाँ की शिक्षा प्रणाली का अनुमान लगाया जा सकता है। वही शिक्षक की कमी है यहाँ पे, शिक्षक नहीं है। एक शिक्षक 2-3 महीने से जो है बिना बताया अनुपस्थित है, और एक शिक्षक जो है वो संतान पालन में चले गए, तो यहाँ खाली है। और मुझे वहाँ बिसिंघी स्कूल से यहाँ संकुल स्तर पे अटैच किया गया है। शासकीय प्राथमिक शाला मझगांव विकास खंड बेमेतरा में एक शिक्षक की शाला है, वहाँ पर 2 शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है और वहाँ पर अध्यापन कार्य अब सुचारू रूप से। जसपुर में जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सायकाओं ने जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूरे जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सायका संघ की जिला अध्यक्ष कविता यादव ने कहा कि महिला और बाल विकास विभाग के तहत 1,04,000 कार्यकर्ता और सायिकाएं प्रदेश भर में काम कर रही है। वही सायिकाओं को केंद्र और राज्य का मिलाकर सिर्फ 3,200 और कार्यकर्ताओं को 6,500 रुपए मिल रहे हैं, जो महंगाई के इस दौर में कुछ भी नहीं है। वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने से पहले चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार में आते ही सभी कार्यकर्ताओं को नर्सरी टीचर का दर्जा देते हुए कलेक्टर दर पर मानदेय देंगे, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। जसपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं वो बंद रहे। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, तो उनका कहना है कि चुनावी वादा जो है वो सरकार पूरा करे, क्योंकि चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था कि वो उनकी मांग जो है वो पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक 3 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। घोषणा पत्र में किए गए वादे के लिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन महारैली आज जिला स्तरीय था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जन घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था कि हमारी सत्ता आती है तो हम 2 महीने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नर्सरी शिक्षक में उन्नयन और कलेक्टर दर पर हम मानदेय देंगे, लेकिन आज तक 3.5 साल हो गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फूटी कौड़ी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और हमने लगातार उनसे मांग अपना रखा है, जब अभी जो विधानसभा क्षेत्रों में उनका यहाँ भ्रमण था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर ये 6 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदेश व्यापी धरने का आयोजन हुआ था, और इस जो हमारे पास 6 सूत्रीय मांग जो अभी किए हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ये पत्र है। धमतरी जिले के भानपुरी गांव के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में एक संस्था को गांव की 5 एकड़ जमीन आवंटित की जा रही है, जिस पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। तो वहीं आपको बता दें कि आपत्ति जताई कि संस्था को 5 एकड़ जमीन देने के बाद गांव वालों के पास जमीन नहीं बचेगी। इस पर ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द आवंटित की जाने वाली 5 एकड़ जमीन पर रोक लगाई जाए। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने धमतरी भकारा मार्ग पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी। दरअसल ग्रामीणों के अनुसार धमतरी जिला मुख्यालय से लगे भानपुरी गांव में गायत्री विद्यालय खोलने के लिए जमीन आवंटन मांगी गई थी, और ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों को बिना जानकारी के ही एक संस्था को जमीन आवंटित कर दी गई है, जिससे ग्रामीणों में रोष पनप रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 5 एकड़ जमीन आवंटन के बाद गांव में निस्तारी सहित किसी भी अन्य कार्य के लिए जमीन नहीं बचेगी, जिसका खामियाजा भविष्य में ग्रामीणों को ही भुगतना पड़ेगा। हमारे गांव में गायत्री ट्रस्ट को बिना पंचायत के जानकारी और बिना गांव को सूचित किए हुए 5 एकड़ जमीन आवंटित हो चुका है सरकार के द्वारा,
तो उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि वो जमीन हमको देना नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में जमीन नहीं है, जिससे हमारे बच्चे जैसे हैं उसके खेलकूद के लिए मैदान नहीं है, आपका पशु चारागाह के लिए मैदान नहीं है, और वन विभाग वृक्षारोपण जो अभी कार्य हमारा होना है उसके लिए भी जगह नहीं है। उसकी एक बार पुनः समीक्षा करेंगे। वैसे तो जमीन आवंटन है वो पूरी प्रक्रियागत होती है कि उसका इश्तेहार जारी होता है, दावा आपत्ति बुलाई जाती है, कितना जमीन चरनोई है, कितना क्या है, सारे देखने के बाद ही अपन शासन को रिकमेंड करते हैं, शासन उसके आधार पर। दुर्ग कुम्हारी में पुलिस की काली करतूत सामने आई है, जहां पुलिस थाने में रिश्वत लेते हुए एसआई प्रकाश शुक्ला का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की थी, वही एसआई ने शव सुपुत्र नामा के बदले मृतक के परिजनों से पैसे मांगे थे, जिसका वीडियो एसपी ने सोशल मीडिया में लाइन अटैच किया है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल एसपी के जरिए आरोपी एसआई पर कार्रवाई करने की कवायद जारी है। यही तो देखता था हम लोग। मनदीप सिंह पिता अर्जुन सिंह 24 वर्षीय जो कि फिरोजपुर के रहने वाले हैं, वो कुम्हारी में रहते थे। 4 तारीख को उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। कल पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को वापस करने के एफडी में सब इंस्पेक्टर प्रकाश शुक्ला द्वारा 50,000 रुपये की डिमांड की गई और 45,000 रुपये उनसे लिए गए। इस बात प्रार्थी द्वारा मुझे फ़ोन लेकर के जानकारी दी गई कि उनके द्वारा पैसे की डिमांड की जा रही है। मैंने साक्षी के साथ देने की बात कही तो उनके द्वारा हिडन कैमरा में इस पूरे वार्तालाप को रिकॉर्ड करके। जांजगीर चंपा में पुलिस ने युवक के अपहरण की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि युवक ने पारिवारिक परेशानियों और कर्ज से परेशान होकर अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। वहीं युवक ने अभी अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस की माने तो युवक किडनैपिंग की झूठी और मनगढ़ंत कहानी बताकर अपनी पत्नी से रुपए हड़पना चाहता था। तो वहीं पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की, जिसमें 4 जिलों की पुलिस भी शामिल थी। वहीं पुलिस ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। ये गोबरा गांव के ग्रामीण आए थे, उनका कहना था कि अभी वो जहां पर निवास कर रहे हैं उसका उनको पट्टा तत्समय के सरपंच के द्वारा दिया गया था, और उसमें उसका हस्तलिखित साइन नहीं है परंतु सील की तरह का बना हुआ है, और ऐसा कहना है कि उस पट्टे को मान्य नहीं किया जा रहा और वर्तमान में उनके कब्जे को अतिक्रमण मानते हुए हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो इस बाबत उनको समझाइश दी गई है और एसडीएम न्यायालय में उनको संबंधित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिनके द्वारा परीक्षण किया जाएगा कि क्या उक्त तो पट्टा वास्तविक है, और यदि वास्तविक है भी तो क्या वास्तव में आबादी भूमि के लिए ही दिया गया है। घास सूरजपुर में दिनदहाड़े चोर एक टीचर की बाइक की डिग्गी से 2,00,000 रुपए चोरी कर फरार हो गए। दरअसल आपको बता दें कि रामानुजनगर इलाके के रहने वाले टीचर इसराइल खान सूरजपुर के स्टेट बैंक से 2,00,000 रुपए निकालने के बाद कुछ सामान लेने के लिए एक फोटोकॉपी दुकान पर गए। लगभग 15 मिनट बाद जब वो लौट के आए तो उनकी डिग्गी टूटी हुई थी और उसमें से 2,00,000 रुपए गायब थे, जिसके बाद उन्हें इसकी जानकारी कोतवाली थाने में दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर में चोरों के हौसले बुलंद है। बाइक की डिग्गी से चोरों ने 2,00,000 रुपए जो है वो लेकर फरार हो गए, और जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दी और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये बैंक से 2,00,000 रुपये नगद निकलवा के फोटो कापी दुकान के पास आया हुआ है, जो इसके फोटो कापी दुकान के पास ये लगभग 10 मिनट खड़ा रहा, इसी बीच इसके गाड़ी की डिग्गी से कोई अज्ञात व्यक्ति 2,00,000 रुपये। मुंगेली में सिटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जोगीपुर का ये मामला है, जहां चरित्र पर शक के आधार पर 60 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी।
जिसके बाद परिजनों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं एसडीपीओ ने बताया कि पूछताछ में ग्रामीणों और परिजनों ने बताया कि आरोपी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, जिसका बिलासपुर के किसी मनोरोग विशेषज्ञ के यहाँ इलाज चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों से युवक की दवाई भी खत्म हो गई और दिमाग काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से युवक ने इस हादसे को अंजाम दिया। मृतक नाम है सुखमत बाई, जो 55 वर्ष की थी। उनके पति का नाम है बामा धार सिंह, जोगीपुर के रहने वाले हैं। तो ये कल जो है करीब 6 बजे की घटना है। ये 6 बजे जो है सुखमत बाई जो है घर के बाड़ी में जो है काम वाम कर रही थी और उसी बीच उसको पति जो है तब्बल से आके मार दी। रायगढ़ के पूंजी पथरा थाना क्षेत्र में जंगली हिरण को मारने के लिए बिछाए गए करंट के जाल में फंसकर 3 शिकारियों की मौत हो गई। वही सूचना के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस शिकारियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं दूसरी ओर वन विभाग की टीम ने मृत हिरण के शव को कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक बीरबल धनवार, अनिल कुजोर, सोनाजोरी और पूंजी पथरा के आसपास ही एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। पुलिस आशंका जता रही है कि तीनों ने जंगल में जंगली हिरण कोटरी के शिकार की प्लानिंग बनाई और जिसके बाद जीआई तार लेकर पूंजी पथरा और तराई माल के बीच जंगल में पहुंचे। जीआई तार में करंट की सप्लाई लेकर शिकार के लिए बिछा दिया गया और इसी दौरान कोटरी करंट की चपेट में आ गई। आशंका है कि कोटरी को निकालने के दौरान ही हादसे में तीनों शिकारी भी करंट की चपेट में आ गए होंगे और जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि मामले में अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। वहां के जंगलों में 3 बॉडी मिली है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जंगली जानवरों के शिकार के लिए तार बिछाया गया था हाई वोल्टेज का, जिसमें चिपक कर इनकी मौत हुई है। पास ही एक हिरन, जिसको कोटरी कहते हैं लोकल भाषा में, उसकी भी लाश मिली है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये या तो खुद गए थे या कोई किसी ने लगाया था उसमें, ये उसके चपेट में आए हैं। किंतु गाँव वाले का कहना है कि ये इसमें से एक व्यक्ति है, पहले भी इस प्रकार से। अब खबर महासमुंद से, जहां महासमुंद में शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते महासमुंद जिले में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों में बारिश के पानी की निकासी की सुविधा नहीं है, जिसके चलते थोड़ी ही बारिश में स्कूल के परिसर में जलभराव की स्थिति हो जाती है। लबालब बारिश का पानी किसी तालाब का नहीं बल्कि महासमुंद जिले के शासकीय स्कूल परिसर का है, जहां थोड़ी बारिश में घुटने तक पानी भर जाता है। तस्वीरें महज एक उदाहरण है। बता दें कि हर साल मॉनसून के सीजन में इन स्कूलों का यही हाल रहता है और पूरे सीजन बारिश में बच्चों शिक्षकों और को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चे या तो परिसर में खेलते हैं या फिर परिसर में भरे गंदे पानी में खेलते दिखाई देते हैं। स्कूल के शिक्षक उच्च अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत करा चुके हैं। कभी उन्हें आश्वासन मिलता है तो कभी आवंटन देने की बात कही जाती है, लेकिन हकीकत यही है कि स्कूलों के हाल सालों से जस के तस है। जिले में 1280 प्राथमिक शालाएं हैं, 490 मिडिल स्कूल हैं और 185 हायर सेकेंडरी हैं। तो लगभग 1985 हमारे पास हाई स्कूल हायर सेकेंडरी हैं, प्राइमरी प्राथमिक मिडिल सभी स्कूल मिलाकर हैं। इसमें जिला मुख्यालय पे जैसे 27 शहरी स्कूल्स हैं, बाकी हमारे ग्रामीण अंचल के स्कूल्स हैं। इसी वजह से हर इस ब्लॉक में लगभग 20-20 स्कूल हमारे शहरी क्षेत्र पे आते हैं। इसमें आसपास जो है निकासी के सही साधन ना होने से, नाली आदि जाम होने से कहीं ना कहीं ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं, विशेषकर जब लगातार तेज बारिश होती है तब ये समस्याएं देखने को मिलती है। हर साल की समस्या है कि थोड़ा सा ही पानी गिरता है और हमारा कैंपस पूरा टापू बन जाता है। बीओ ऑफिस जाने के लिए भी, बीओ ऑफिस कार्यालय को भी बहुत समस्या होता है और हमारे बच्चों को तो खेलने के लिए जगह ही नहीं मिलता है। थोड़ा सा हम लोग रिसेस वगैरह देना भी कम कर देते हैं और ये बरामदा जितना भी है उसी में बच्चे खेलते हैं
और ग्राउंड में तो जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पूरा पानी भर जाता है, पानी निकासी की व्यवस्था ही नहीं। और खास करके शहरी क्षेत्र में जो स्कूल है, जैसे हमारा बॉयज स्कूल जो आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यम हिंदी स्कूल बन गया है, वहाँ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। और कन्या स्कूल है जो बगल में बिल्कुल नेहरू चौक के बगल में, वहाँ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। वहाँ जो अभ्यास कन्या स्कूल लगता है वहाँ घुटने तक पानी भर जाता है। सर अब खबर गुना से है, जो आपको बता दें कि आज आरौन में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। तो वहीं मतदान से पहले गुरुवार को कलेक्टर फ्रैंक नोबल, एडीएम आदित्य सिंह और एएसपी विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक दल ने आरौन क्षेत्र का दौरा कर निर्वाचन कार्य का जायजा लिया। उन्होंने मतदान दल से चर्चा कर मतदान केंद्रों में की गई व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में जनपद पंचायत आरौन के लिए 171 मतदान केंद्रों में 85,261 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर।